राघव एक चीज सुनो, दैट इज मैं ये सोच रहा था कि जो ये तो आज हम लोग सबसे पहले करते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है? लाइंस ऑफ फोर्स होता है एक लाइन जो कि डिपेक्ट करता है कि उसके फील्ड का डायरेक्शन क्या है। जैसे सपोज अगर पॉइंट चार्ज है तो ये लाइन ऑफ फोर्स होगा। Now what does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं यहां पे कोई एक पॉइंट चार्ज रखूंगा, इन दैट केस उस पॉइंट चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, वो लाइन ऑफ फोर्स के एरो बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में रहेगा। तो therefore अगर एक पॉइंट चार्ज लेते हो, इन दैट केस क्या होगा, लाइन ऑफ फोर्स सारे रेडियली आउटवर्ड्स होता, ठीक है ना? तो ये हो गया वो रेडियली आउटवर्ड्स का चीज। तो therefore अगर यहाँ पे देखते हो तो इन दैट केस फोर्स ऐसे आएगा, यहाँ पे देखते हो तो फोर्स ऐसे आएगा, यहाँ पे देखते हो तो फोर्स ऐसे आएगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली फॉर अ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, या कई बार फील्ड लाइंस भी कहते हैं, बात एक ही है, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। और अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज होगा इन दैट केस क्या होगा, ऐसे 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 इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के। तो यू माइट सी डायग्राम के लाइंस उल्टे क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो बाहर की तरफ था, यहाँ पे अंदर की तरफ था। बड़ा सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे एक वन कूलम चार्ज रखूंगा, यानी पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव होगा ना, इसलिए लाइन के डायरेक्शन पलट गए। तो यानी बेसिकली क्या है कि लाइन ऑफ फोर्स क्या करता है, तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। अब फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स एरो के हिसाब से होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स उल्टा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो ऐसे फोर्स आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो दैट केस फोर्स उल्टा आ जाएगा। तो देखो व्हाट इज द रोल ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना? एंड एक और सेंटेंस में क्या बोलूंगा, लाइन ऑफ फोर्स गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव इट विल गिव ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स। तो ये हो गया इसका फर्क, ठीक है ना? दैट्स हाउ द थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट। तो ये तो हो गया आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। और अगर दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होगा, या अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऐसे होता है, भाई मत से कि ये तो बड़ा अजीब सा लाइंस बना दिया आपने, कुछ कर्व टाइप का बना दिया, क्या कहां से आ गया, है ना? तो देखो हर पॉइंट पे याद रखना, क्योंकि अब दो चार्ज आ गए तो हर पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो रिजल्टेंट के हिसाब से होगा। अब मैं बताता हूं कैसे। तो अब ये देखो लाइन ऑफ फोर्स क्या बताता है, डायरेक्शन। तो लाइंस ऑफ फोर्स प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पे आ रहा हूं। तो लाइंस ऑफ फोर्स गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। बट देन यू माइट से चलो यहां तो डायरेक्शन समझ में आ गया, ये तो सारे कर्व लाइंस है, है ना? तो इसमें मैं बताना चाहूंगा इज दैट इफ लाइन इज कर्व देन डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग टेंजेंट। इफ लाइन इज कर्व देन डायरेक्शन ऑफ ई इज व्हाट ना, अलोंग टेंजेंट। हो गया, ये चीज है। अब देखो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये बड़ा अच्छे से समझ लेना। एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां पे, ठीक है? तो इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो ये जो चार्ज है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या, वन कूलम चार्ज रखो। अगर यहाँ पे एक वन कूलम चार्ज रखो तो ये जो चार्ज है ये देखना ऐसे करके ऊपर तक हमारे का, ये चार्ज है, और ये जो चार्ज है ये वाला ये चार्ज भी उसको रिपेल करेंगे, ये चार्ज भी रिपेल करेंगे, लेकिन थोड़ा कम फोर्स से,
Now you might say कि आपने एक एरो बड़ा और एक एरो छोटा क्यों कर दिया? क्योंकि ये पास है इसलिए इसका फील्ड इंडस्ट्री ज्यादा है, ये काफी दूर है इसलिए इसका फील्ड इंडस्ट्री कम है। यानी उस पॉइंट चार्ज पे दो फोर्सेस लग रहा है, एक कम फोर्स और एक ज्यादा फोर्स, यानी उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? पैरेलोग्राम लॉस है, तो ये हो गया पैरेलोग्राम लॉस से रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट हो गया एस। आप बताओ ये जो रिजल्टेंट मैंने ड्रॉ किया इस, और जो लाइन ऑफ फोर्स था वो जरा ध्यान से देखो, लाइन ऑफ फोर्स कैसे है? तो लाइन ऑफ फोर्स इसका ये होगी, दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स। आप बताओ लाइन ऑफ फोर्स पे इस पॉइंट पे टेंजेंट हुआ ना, तो वही मैं कहने वाला था, द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज अलोंग टेंजेंट टू द कर्व, ये होता है लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में हूं क्योंकि अभी तुम्हारा एग्जाम बहुत पास में आ रहा है, तो उसके तीन चार प्रॉपर्टीज जरूर कर लेना क्योंकि ये एज ए टू मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, वो तो बुक से अंडरलाइन करके खुद कर लेना, खुद कर लोगे ना फिर? हाँ सर, ओके। अब मैं आता हूँ सीधा इसके मैथमेटिक्स पे, क्योंकि देखो मैंने अभी क्या बताया कि लाइन ऑफ फोर्स तुमको बताता है डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता क्या कि अगर मैं तुमसे पूछूंगा अच्छा ठीक है यहाँ का इंटेंसिटी बताओ, यहाँ तो कोई लाइन ऑफ फोर्स है नहीं, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे नहीं नहीं मैंने जो लाइन ऑफ फोर्स बनाया अभी तो फिलहाल कम कम बनाया, एक्चुअल में ज्यादा होगा इससे। तो तुम बोलोगे ठीक है एक काम करो और लाइन बना लो, चलो भाई ठीक है बना लो, बना देता हूं, तो कोई ना कोई लाइन इससे भी पास होगा तो वहां से मेरा काम चल जाएगा, है ना? तो यानी अगर मैं आप इंटेंसिटी पूछूंगा तो इस लाइन के हिसाब से इंटेंसिटी बन जाएगा, ये वाला जो लाइन ड्रॉ। लेकिन मैं अगर नॉटी बन जाऊंगा तो मैं बोलूंगा ठीक है काम करो तुम लाइन ड्रॉ करो जरा, तो तुमने ड्रॉ कर लिया, मैं बोला अच्छा ठीक है आप बताओ यहाँ पे क्या इंटेंसिटी, तुम बोलोगे अभी भी कंप्लीट नहीं अभी मैं और बनाऊंगा, तो करके तुम दो चार और बना देते हो, ऐसे करके दो चार और बना देते इस तरीके से, तो उससे मैंने आंसर निकाल लिया। फिर मैं बोला नहीं नहीं यहाँ पे बताओ, तो ऐसे अगर मैं तुमको तंग करता रहूंगा तो तुम क्या करो, तुमको फिर बहुत सारे लाइंस बनाने पड़ेंगे। कितने बनाओगे? इनफाइनाइट, क्योंकि जब तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनाओगे, जब तक नहीं बनाओगे रादर, तब तक दिक्कत क्या आएगा कि अगर तुम 10 बनाओगे तो भी खाली जगह रहेगा, ज्यादा खाली जगह रहेगा। तुम अगर 50 लाइंस बना दोगे तो खाली जगह बहुत कम बचेगा, लेकिन फिर भी खाली जगह तो बचेगा, तो खाली जगह भर कब जाएगा? जब तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बनाओगे, और अगर इनफाइनाइट बनाते हो तो इन दैट केस क्या होता है ना, पूरा भर जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता है क्या है, कि इसका मतलब यह क्या, अगर तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनाना चाहते हो, इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज हो तो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, 5 कूलम चार्ज हो तो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, 20 कूलम चार्ज हो, 0.1 कूलम हो, हर केस में तुमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि खाली जगह तो नहीं तो बच जाएगा। तो देखो एक आइडिया क्या बनता है कि लाइन ऑफ फोर्स चार्ज से निकलता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स निकलने चाहिए, ही होना चाहिए। लेकिन अगर तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनाओगे इन दैट केस, तो देखो चाहे चार्ज कम हो या ज्यादा हो या मीडियम हो, तुमको इनफाइनाइट नंबर बनाना पड़ेगा, फिर उससे सहूलियत नहीं बनता, उससे जो है सहूलियत नहीं बनता है, या नहीं? तो देयरफॉर साइंटिस्ट तो फंस गए कि भाई इनफाइनाइट बनाए या ना बनाए, अगर इनफाइनाइट बनाओगे तो दिक्कत क्या है, फिर 3 कोलम के लिए भी इनफाइनाइट बनाना पड़ेगा, 0.3 कोलम के लिए भी इनफाइनाइट बनाना पड़ेगा नंबर ऑफ लाइन्स में, और 3000 कोलम के लिए भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बनाना पड़ेगा। यानी 3 कोलम, 0.3 कोलम और 3000, ये तो कोई फर्क ही नहीं इसका मतलब, है या नहीं? तो हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो है नंबर ऑफ लाइन्स चार्ज के हिसाब से बनाएंगे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा लाइन्स बनाएंगे, लेकिन ज्यादा बनाने का मतलब फाइनाइट, 10,000, 20,000, 10,00,000, 10 करोड़ ऐसे ही बनाऊंगा मैं। लेकिन अगर फाइनाइट नंबर बनाओगे इन दैट केस क्या होगा, कोई ना कोई छोटा मोटा खाली जगह बचेगा, क्योंकि जब तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स नहीं बनाओगे तो सारे एक एक पॉइंट कवर तो होगा नहीं। अगर तुम फाइनाइट बनाओगे तो ज्यादा ज्यादा बनाओगे तो स्पेस कम होता जाएगा, जैसे देखा होगा कि अभी अगर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन बनाए तो इतना स्पेस है यार, पूरा स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा लाइंस बना दिया तो स्पेस कम हो गया, लेकिन स्पेस कम हुआ, स्पेस हटा नहीं है। अभी भी मैं तुमको तंग करने के लिए कह सकता हूँ, यहाँ मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी बताओ, मुझे यहाँ पे बताओ, मुझे यहाँ पे बताओ, मुझे यहाँ पे बताओ,
और जानबूझ के ये पॉइंट्स पॉइंट आउट करूंगा, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई लाइन ऑफ फोर्स तो तुमने ड्रॉ नहीं किया। यानी फाइनाइट में भी परेशानी, इनफाइनाइट में भी परेशानी। फाइनाइट का क्या परेशानी है कि अगर तुम फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनाओगे तो खाली जगह रह जाएगा। इनफाइनाइट में क्या परेशानी है कि इन दैट केस तो 0.3 में भी इनफाइनाइट, 3 में भी इनफाइनाइट, 30 में भी इनफाइनाइट, 3000 में भी इनफाइनाइट, ये कैसे पॉसिबल? अब दोनों तरफ फंस गए, फाइनाइट बना तो भी प्रॉब्लम, इनफाइनाइट बनाओ तो भी प्रॉब्लम। इसका रास्ता कैसे निकले भाई, कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बनाएंगे? तो उसका रास्ता इस तरह से निकला कि हम बनाएंगे लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट नहीं, लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, लेकिन बनाएंगे चार्ज के हिसाब से। मतलब सपोज मैं कहता हूं कि 1 कूलम चार्ज के लिए 1 करोड़ लाइंस बनाओ, 1 करोड़ इज अ बिग नंबर। इन दैट केस 2 कूलम के लिए 2 करोड़ लाइंस बनाएंगे, इनफाइनाइट। पर देन यू माइट से फिर आपने अपना प्रॉब्लम कहां सॉल्व किया? अगर 2 करोड़ लाइंस भी बना लोगे तो कुछ ना कुछ तो खाली जगह रहेगा, ठीक है, कम बचेगा। अभी तो आपने 100 भी नहीं बनाया होगा, तो उतने में भी थोड़ा थोड़ा करके बच रहा है। अगर 1 करोड़ बना लोगे तो काफी कम जगह बचेगा, लेकिन फिर भी जगह तो बचे। तो मैं वहीं पे दिखा के बोलूंगा, देखो यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बताओ, मेरी फंसा सकता हूं। लेकिन एक चीज है कि अगर तुम बहुत ज्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स बनाओगे, इन दैट केस लाइन्स जो है ना बहुत करीब करीब हो जाएंगे ऐसे। देख रहा, मैंने 2 लाइन्स बनाया एकदम करीब करीब। उसका फायदा पता क्या है कि अगर एकदम करीब करीब लाइन ऑफ फोर्स बनाओगे, मान लो एक ऐसे बनाए और बिल्कुल करीब से एक बार, इसका फायदा पता क्या है कि अगर मान लो तुम इसके बीच में किसी एक पॉइंट पे इंडस्ट्री पूछोगे, यहाँ पे सब कुछ मैं वो बता सकता हूं, मैं वो बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, इसके बगल में ये डायरेक्शन है, इसके इधर वाले में ये डायरेक्शन है, तो यानी बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो, यानी इसके अगल बगल वाले को देख के मैं सफिशियंट एक्यूरेसी के साथ, मैं सफिशियंट एक्यूरेसी के साथ वहां का इंटेंसिटी निकाल सकता हूं, जबकि वहां पे कोई लाइन नहीं है। यानी ठीक है, खाली जगह बचा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस खाली जगह पे भी इंटेंसिटी निकालने के लिए, निकालने में उसके अगल बगल वाले लाइंस के मदद से हम बना सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं डायरेक्शन क्या हो। देयरफॉर डिसीजन ये हुआ फाइनली कि हम लार्ज नंबर ऑफ लाइंस बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे फाइनाइट, और बनाएंगे चार्ज के हिसाब से, चार्ज ज्यादा तो लाइंस ज्यादा। तो 1 कूलम के लिए अगर हम 1 करोड़ लाइंस बनाएंगे, तो 2 कूलम के लिए 2 करोड़ लाइंस बनाएंगे, 25 कूलम के लिए 25 करोड़ लाइंस बनाएंगे, एट सो ऑन। दैट वॉज द आइडिया, ठीक है ना? तो ये हो गया नंबर ऑफ लाइंस को फाइनाइट बनाने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फाइनाइट कितना बनाऊं? 2 करोड़, 50 करोड़, 10,000 करोड़, 10 लाख? अब ये कौन डिसाइड करे, है या नहीं? तो उसके लिए साइंटिस्ट लोग बोले, एक काम करो, एक और चीज डिफाइन करो लाइन ऑफ फोर्स के हिसाब से। वो क्या है कि सपोज, जरा खुद देखो, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूं, तो जरा देखो एक बार, मैं थोड़ा सा एडजस्टेड करा देता हूं लाइन ऑफ फोर्स को। अब अगर ऐसे होता है तो जरा खुद सोचो, यहां पे एक पॉइंट चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है। अब जरा खुद देखो कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बनाता हूं, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बनाता हूं, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बनाता हूं, तो एरिया तीनों बराबर है लगभग, लेकिन देखा होगा कि इसके थ्रू काफी कंजेस्टेड तरीके से लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, और यहां आते आते लाइन ऑफ फोर्स जो जा रहा है वो कम जा रहा है, और यहां आते आते लाइन ऑफ फोर्स और कम हो रहा है। यानी जैसे मैं पॉइंट चार्ज से दूर जाता हूं तो इंटेंसिटी घटता है या नहीं? तो यहां पे भी तो घट रहा है ना। क्या घट रहा है? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया घट रहा है। इसलिए साइंटिस्टों ने बोला, एक काम करो, इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। तो देखो ध्यान से, यहां पे एरिया 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 सेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, यहाँ पे और कम, यानी इंटेंसिटी घटता जा रहा है। यानी अब लाइंस ऑफ फोर्स का एक यूटिलिटी तो वो था कि भाई डायरेक्शन वायरेक्शन बता,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर। दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के ऊपर भी नहीं लाई कर सकता है, फिर लाइन ऑफ फोर्स सडनली ब्रेक नहीं कर सकता और सडनली बेंड भी नहीं कर सकता, यानी ऐसे ऐसे ये लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा, होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। और ब्रेक नहीं हो सकता है कि लाइन ऑफ फोर्स यहां से यहां तक है फिर जंप फिर आगे, वो सब नहीं हो सकता। तो ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ये याद कर लेना, इसके ऊपर आई एम श्योर एक आध क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना पता चल गया कि लाइन ऑफ फोर्स हो जाता है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ना। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम क्या? देखो जरा, सपोज मैं कहता हूं कि ये है लाइन ऑफ फोर्स, और मैंने क्या किया, मैंने किसी को भेजा, मैंने किसी बंदे को भेजा कि एक काम करो वहां पे जाके ना तुम वो निकाल लो फील्ड इंडस्ट्री निकाल के। तो उसने पूछा भाई फील्ड इंडस्ट्री कैसे निकालते हैं, तो मैं बोले एक काम करो फील्ड इंडस्ट्री का निकालने का तरीका होता है कि नंबर ऑफ लाइंस के पहले गिनती कर लो, एक एरिया बना लो और नंबर ऑफ लाइंस को एरिया से डिवाइड करो, फील्ड इंडस्ट्री कैलकुलेशन होता है, ठीक है। वो चला गया, वो जाके एरिया ले लेता है ऐसे, तो उसका एरिया हो गया ए, ठीक है एरिया ए। तो उसने कैलकुलेट किया ई इज इक्वल टू एन बाई ए, ये है सपोज एन नंबर ऑफ लाइंस, ये जो n है सपोज n इज द नंबर ऑफ लाइंस, अब क्या होगा देखो, वो आके मुझे आंसर बता दिया, उसने नंबर ऑफ लाइंस का गिनती किया पहले, एरिया ड्रॉ किया है और नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया करके उसने आंसर दे दिया, मुझे मिल गया। लेकिन मुझे लगा कि कहीं कुछ गलती वलती ना हो, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक और बंदे को भेजता हूं, भाई तुम भी जाके कैलकुलेट करो। तो उसने क्या किया, उसने एरिया ले लिया ऐसे, उसको मान लो ए डैश, तो उसका जो ई का कैलकुलेशन होगा वो तो एन बाय ए डैश होगा। अब इसने अलग एरिया लिखा ले रखा है, इसने अलग एरिया ले रखा है, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस का गिनती तो सेम होगा, क्यों कि इससे भी वही लाइन जा रहा है, इससे भी वही लाइन जा रहा है, अब दोनों का तो अलग अलग आंसर आ रहा है ना। तो कैसे हो सकता है फिर एक ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री। तो क्या गलती हुआ, गलती उन दोनों का नहीं था, गलती मेरे से हुआ। क्या गलती हुआ, मैंने ढंग से बताया नहीं कि एरिया कैसे लेना है, इसलिए किसने एरिया ऐसे ले लिया और किसने एरिया ऐसे ले लिया, उसका क्या गलती है, उसने एरिया लिया। मेरा गलती ये था कि मैंने ढंग से समझाया नहीं था कि एरिया कैसे लेना है, तो अब मैं अच्छे से समझा रहा हूँ एरिया लेना कैसे है। एरिया हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स, यानी जो मर्जी एरिया लेने से नहीं चलेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। अब फिर ये वाला बंदा आता है, ये कहता है ये तो मेरे से फिर गलती हो गया, मैं तो परपेंडिकुलर लिया नहीं, मैं तो टेढ़ा ले लिया था, मुझे क्या पता। तो मैं बोला कोई बात नहीं, दुखी मत हो जाएगा, मैं उसका इलाज निकाल, जुगाड़ कर। क्या जुगाड़ है, नहीं काम करो, ये जो एरिया है और ये जो लाइन है इसका एंगल है सपोज थीटा, अगर ये ए होता है तो ये क्या होगा, इसका कंपोनेंट। तो कोई ऐसे अगर होता है तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, एंगल के साथ वाला कॉस थीटा, यानी असली में क्या होना चाहिए, ए कॉस थीटा। तो मैंने बोला एक काम करो, तुम ए मत लिखो, तुम इसको लिख दो एज एन बाई ए कॉस थीटा। उससे क्या होगा, ये देखो ए है, ये थीटा हुआ एंगल इसके और इसके बीच में, तो ये हो गया ए कॉस थीटा, अब तो ये इसके बराबर आ गया, यानी अब तो सही हो गया है या नहीं। अच्छा कोई और कुछ एंगल थीटा पे लेंगे तो कोई बात नहीं, ए कॉस थीटा से कैलकुलेट करके आराम से इंटरेस्ट निकाल सकते, यानी नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गया, फाइनली नंबर ऑफ लाइंस हो गया ई ए कॉस थीटा। और इस नंबर ऑफ लाइंस को साइंटिस्टों ने एक नया टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट्स व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब वो कितना होगा, As I said, उसका वैल्यू आपको जाएगा n is equal to e to a to cos। जब साइंटिस्टों को ये एक्सप्रेशन दिखा तो देखो जहां पे cos theta दिखता है
साइंटिस्टों का टेंडेंसी क्या होता है, उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर ही होता है, लेकिन ये एरिया वेक्टर होता नहीं। इसलिए साइंटिस्टों को ले काम करो, इसको अच्छे से लिखना अगर है ना, तो एक एरिया वेक्टर डिफाइन करो, यानी एन को लिख दो एज ई डॉट ए। नाउ यू माइट से कि ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेक्स वेक्टर होता है, ये तो आपने पहले भी बताया, ये एरिया कहां से वेक्टर हो गया? क्लास 11th में तो हमने एरिया, वॉल्यूम, हाइट, राइट, ये सब तो हमने स्केलर माना, ये वेक्टर कैसे हो गया? आंसर इज दैट, ऐसे अगर सोच रहे हो कि एरिया कैसे वेक्टर हो गया, एकदम सही सोच रहे, क्योंकि एरिया वेक्टर नहीं होता। बट यू माइट से आप ही ने तो वेक्टर लगा रखा है। मैंने वेक्टर लगा रखा है क्योंकि साइंटिस्टों ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने बोले एक काम करो, एरिया होता तो नहीं है वेक्टर, लेकिन इस चैप्टर के लिए और एक और चैप्टर में वैसे ही करेंगे, इन दोनों चैप्टर्स के लिए एरिया को टेम्पोररीली वेक्टर मान लो, टेम्पोररीली वेक्टर मान लो, मानने में क्या जाता है ना। बट देन यू माइट से एरिया वेक्टर अगर होता नहीं है और उसको अगर टेम्पोररी भी मानना है, अलग से टेम्पोररी, तो भी तो वेक्टर में दो चीजें होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, तो मैं डायरेक्शन कैसे सेट करूं, है ना। तो मैं बता देता हूं, एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू एरिया इटसेल्फ is equal to value या magnitude of area। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो एरिया सर्कल है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड होगा एल स्क्वायर। रेक्टेंगल होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एल पी, एंड सो ऑन। ट्राइंगल होगा तो हाफ बेस ऑल्टीट्यूड, एंड सो ऑन। यानी जितना एरिया है उतना ही एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन अब आ हुआ डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन में इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी इसको समझो, सपोज मैं कहता हूं कि एक सरफेस है, एक मोबाइल है, इसका एक सरफेस है। अब मैं कहता हूं इसका एरिया वेक्टर निकालो, तो एरिया वेक्टर क्या होगा ना, इसका लेंथ और इसका ब्रेड्थ, ये दोनों तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का तो एरिया हो गया, ये हो गया एरिया वेक्टर। अब इसको टेढ़ा कर दो तो एरिया वेक्टर टेढ़ा हो जाएगा, सामने की तरफ कर दो सामने की तरफ हो जाएगा, इस तरफ कर दो इस तरफ हो जाएगा, जो भी करो ये हो गया एरिया वेक्टर के तरीका। यानी वो घूमता रहेगा तो एरिया वेक्टर भी देखो साथ साथ, क्यों, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया होना चाहिए। तो अगर एरिया घुमाओगे तो वो परपेंडिकुलर वाला भी उसी तरह से घूमता जाएगा, है नहीं। तो वो चीज है, सो देयरफॉर डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एरिया, और मैग्नीट्यूड हो गया इक्वल टू द एरिया इटसेल्फ। ये हो गया इसका डेफिनेशन, किस चीज का, एरिया वेक्टर। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर, ठीक है, देख लो अच्छे से। और ये जो ई डॉट ए है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइन। अच्छा अब देखो गॉस ने क्या किया, अब देखो गॉस ने क्या किया, फाइन। एक काम करो, एक थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो, चलो सपोज मैं कहता हूं कि एक एरिया है जो कि सपोज ऐसे है, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और सपोज फील्ड वेक्टर है 2i cap - j cap + 3k cap, है ना। ये एरिया वेक्टर हो गया, इसका परपेंडिकुलर, तो यानी परपेंडिकुलर होता है ये आ जाता, है ना, ये एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा ही है, तो फाइंड फाई ई। ये जो होता है, ये होता है फ्लक्स का सिंबल, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्वेश्चन है कि ये एरिया हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, और ये फील्ड वेक्टर है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो बस एक मिनट में आ रहा हूं, फ्लक्स निकालो इसका।
ओके आंसर आ गया। तो एरिया वेक्टर क्या होगा इस केस में सर? माइनस सिक्स जे कैप। एरिया वेक्टर सिक्स जे कैप हो गया भैया। नहीं मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें मैं लिखूंगा एरिया वेक्टर को एज इक्वल टू सिक्स जे कैप। अब फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए, तो आई के साथ तो कुछ है नहीं और ये हो जाएगा माइनस सिक्स और जीरो, यानी जीरो माइनस सिक्स प्लस जीरो, तो ये हो गया फ्लक्स, यानी फ्लक्स हो गया माइनस सिक्स। माइनस प्लस भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, अगर ई और ए सेम डायरेक्शन में होता है ना तो यानी उसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और अगर ई और ए ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना तो इन दैट केस फ्लक्स नेगेटिव होगा। वैसे इन जनरल अगर बताया जाए तो ई और ए के बीच का एंगल अगर एक्यूट होता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर ऑब्ट्यूस होता है तो नेगेटिव होता है, और अगर 90 डिग्री होता है तो जीरो होता है। यानी तीन केसेस पॉसिबल है, मैं इसके ऊपर बता देता हूँ क्या है। And that is electric flux, phi e. So phi e is positive if angle between E vector and A vector is acute and is equal to zero if angle between E vector and A vector is 90 degree and is equal to negative if angle between this thing is obtuse. Sun mein aa raha sir? Yes. Positive negative sun mein aa raha? Haan sir. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हमने डिस्कस किया कि फ्लक्स कितना होता है ना। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो फ्लक्स आया ये तो चलो ठीक है, पर फ्लक्स निकाल के फायदा क्या? हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, है ना? तो इसलिए चीज पता क्या है, जरा सोचो। सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं एक चार्ज लेता हूं क्यू, कोई भी चार्ज बता, और इसको घेर लेता हूं ऐसे कर, तो क्या होगा? इन चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे। ठीक है, और मैं काम करता हूं, मैं हर जगह चला जाता हूं, कोई सा भी एरिया, जैसे मान लो यहां पे एक ले लेता हूं, यहां पे एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर होगा, और जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो लेट्स कॉल इट इज अ स्मॉल एरिया वेक्टर, दैट इज डी। तो जो इस पोर्शन के थ्रू छोटा सा जो मैंने एरिया लिया ना, देखो छोटा सा एरिया लिया, उसके थ्रू भी कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा होगा, है ना? ये तो छोटा सा एरिया लिया मैंने, यहां से भी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहे होंगे ऐसा कर, तो वो कितने होंगे? तो उसके लिए क्या करता हूं, मैं डी फाई लिख देता हूं एस ई डॉट डी। ई डॉट ए लिखा था थोड़ी देर पहले फ्लक्स, अब मैं क्या लिख रहा हूं? ई डॉट डी ए। यू माइट से छोटा क्यों कर दिया? छोटा इसलिए क्योंकि मैंने छोटा सा सेक्शन लिया। यू माइट से छोटा सेक्शन क्यों लिया? क्योंकि इस बार जो एरिया मैंने लिया ना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लिया मैंने, तो उसको अगर टोटलिंग करना है तो दैट इज इंटीग्रेशन से ही हो सकता है। तो टोटल फ्लक्स देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। इज इक्वल कैसे निकलेगा? ना हर छोटे-छोटे सेक्शन में से कुछ ना कुछ नंबर ऑफ लाइंस ऊपर जा रहे हैं, उन सब का ऐड करना है। ऐड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ई डॉट डी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी। और गॉस ने ये प्रपोजल ये दिया था कि ये जो सरफेस लेना, ये ना एक क्लोज सरफेस ले, एनी क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड एज ए गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस का प्रपोजल। सो सच ए क्लोज सरफेस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। देख लो, तो सच ए क्लोज सर्फेस इज कॉल्ड एज वॉट ना? गॉसियन सर्फेस। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये जो गॉसियन सर्फेस है इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा? फिर ई डॉट डी ए, लेकिन हमने पूरे सर्फेस के ऊपर इंटीग्रेट किया, तो उसको एक अलग से स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करता है वो ही। इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटीग्रल, चाहे वो क्लोज सर्फेस से हो, जैसे भी हो, तो क्लोज सर्फेस को पूरा इंटीग्रेट किया,
इसलिए स्पेशल सिंबल है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। और इस केस में क्या क्लोज्ड इंटीग्रल है, इस केस में क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, ये वाला, तो दैट इज ई डॉट डी। इससे क्या होगा, इससे टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कैसे निकलेगा, उसके लिए अलग डिस्कशन। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कैसे पता चले। देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं और इसको घेर लेता हूं एक स्फीयर से। स्फीयर से घेरने के पीछे रीजन है, ये स्फेरिकल सरफेस। रीजन ये है कि देखो, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ना, और यहां का जो एरिया वेक्टर होगा डीए, वो साथ साथ होगा, और वो एक जगह नहीं हर जगह होगा। क्यों, मान लो अगर यहां पे देखना चाहते तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, और जो एरिया होगा वो क्या होगा, ऐसे। यानी एक चीज देख रहे हो, ये ई वेक्टर है और डीए वेक्टर उसी डायरेक्शन में, यहाँ पे ई वेक्टर ये है और डीए वेक्टर उसी डायरेक्शन में, और ये चीज हर जगह होगा, है या नहीं। यानी अगर मुझे इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डीए निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल, इसी को तो फ्लक्स कहते हैं, इज इक्वल टू। सबसे बड़ी बात पता क्या है, कि ये सारे आर डिस्टेंस दूर है, अलग से सारे आर डिस्टेंस दूर है, तो इस पॉइंट चार्ज से ये आर डिस्टेंस दूर है, ये भी 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 आर डिस्टेंस दूर है, एंड सो ऑन। तो अगर कोई भी चीज आर डिस्टेंस दूर होगा तो यानी क्या, फील्ड सेम होगा। यानी ये लिख दूंगा इक्वल टू, फील्ड अगर सेम होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है। तो उन दोनों के बीच का एंगल ना थीटा होता है, तो यानी हमेशा जीरो डिग्री, तो ये तो हमेशा वन हो जाएगा। ई बाहर निकाल लो, यानी इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डीए। डीए मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, एड करके डीए, इंटीग्रेशन डीए मतलब टोटल सर्फेस एरिया। स्फीयर का टोटल सरफेस क्या हो गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स, ये हो गया फ्लक्स है, दैट इज व्हाट ना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक इश्यू है, पता क्या, कि अगर मान लो इस क्यू चार्ज से, लेट अस से n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम चार्ज क्यू, सपोज इन दैट केस, ये तो यूनिफॉर्मली निकलेगा हर जगह, इधर से उधर से उधर से इधर से इधर से इधर से चारों तरफ निकलेगा। तो इंटेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, एन नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। तो एरिया सारा सिमेट्रिकल है, क्या एरिया हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। यानी ई कितना हो गया ना, एन बाय 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक चीज और भी मुझे पता है, क्या, कि E का वैल्यू अगर मैं कूलम्स लॉ से चलता हूं तो क्या होता है, KQ by R square, यानी KQ by R square भी होता है। Therefore, number of lines कितने हो गए, R square cancel कर लो, 4 by KQ। ये K क्या होता है, 1 upon 4 by epsilon naught, तो 4 by cancel होके 1 by epsilon naught रह जाएगा, यानी equal to Q by epsilon naught। यानी एक क्यू चार्ज से जो नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, एक क्यू चार्ज से जो नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो जिस ठीक है, देख लो बच्चे, यानी नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम क्यू चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी ये जो मैंने अभी सरफेस चार्ज क्यू रख के सरफेस से घेरा था,
तो मैंने बोला था कि फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन E into dA and that is equal to number of lines. तो Q चार्ज से कितना नंबर ऑफ लाइंस होता है? Q by epsilon naught. Therefore integration E dot dA, ये इंटीग्रेशन E dot dA क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लाइंस. और नंबर ऑफ लाइंस n कितना होता है ना? नंबर ऑफ लाइंस n कितना होता है? Q by epsilon naught, यानी equal to Q by epsilon naught. यही है cos law. ठीक है ना? तो मैंने क्या क्या पता है? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फिर फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, है ना? और एक सिमेट्रिकल फिगर से मैंने एक कैलकुलेशन किया और एक जनरलाइज से कैलकुलेट करके ये तीन चार आइडियाज को लेके मैंने अब इसको जोड़ के फाइनली गॉस लॉ के फॉर्म में लिखा एंड दैट इज ई डॉट डी ए का जो इंटीग्रेशन बनेगा दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ लाइंस. और नंबर ऑफ लाइंस क्यू चार्ज से कितना बनता है ना? क्यू बाय एप्सिलॉन. This is what is the idea of Gauss law. लेकिन अगर इसको use करना चाहते हो, in that case dA चाहिए, यानी surface चाहिए, तो surface हमें अच्छे से choose करना पड़ता है. तो therefore, क्योंकि अगर उत्पतन सा surface लोगे ना, जैसे इस type का लिया, ये जो लिया मैंने, ये ऐसे ही randomly ले लिया, ऐसे लेने में formula valid है, लेकिन use ही नहीं कर पाओ. क्यों? अब ये जो उत्पतन सा surface है, उसको integrate कैसे करो? Possible नहीं हो पाएगा. इसलिए surface जब हम लेंगे गॉशियन सरफेस, इसको गॉशियन सरफेस बोलते हैं ना, क्लोज सरफेस है इसके. तो जब भी हम गॉशियन सरफेस लेंगे तो हम थोड़ा सोच समझ के लेंगे कि हमारे इंटीग्रेशन में सहूलियत हो. तो देयरफॉर हम इसको इस तरह से बोलेंगे दैट इज आइडियल गॉशियन सरफेस. व्हाट आई एम डिस्कसिंग नाउ इज आइडियल गॉशियन सरफेस. आइडियल गॉशियन सरफेस में नंबर वन इज दैट इट शुड बी it should have symmetry. क्योंकि symmetrical अगर होगा तो ही integrate कर पाओगे. अगर इस तरीके से उत्पतन से surface ले लोगे, in that case question तो बन जाएगा लेकिन solve नहीं हो पाएगा. क्यों? वो integration कैसे करोगे ऐसे उत्पतन से surface पे? ठीक है ना? अगर smooth surface है, symmetrical surface है, in that case क्या हो सकता है? ideal Gaussian surface हम बना सकते हैं. ठीक है ना? So that's what the case is. तो आइडियल गॉसियन सरफेस बनाने का ये तरीका होता है कि सिमेट्रिकल. दूसरी बात ये कि E और DA के बीच का जो एंगल थीटा है, E और DA के बीच का जो एंगल थीटा, या तो ये जीरो डिग्री हो या कांस्टेंट हो. क्यों? क्योंकि अगर कांस्टेंट होगा ना, जैसे इस केस में कांस्टेंट हो गया कॉस जीरो, तो वो क्या होता है? फिर वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर ना होकर बाहर आ जाता. तो जीरो डिग्री हमेशा जरूरी नहीं, 60 डिग्री भी अगर होगा, 45 डिग्री भी होगा, 43 डिग्री भी होगा, दैट इज cos 43 बाहर आ सकता है. तो इंटीग्रेशन में फिर छोटा सा ही रहेगा dA. तो देयरफॉर सिर्फ सिमेट्री होने से नहीं चलता है. E dA के बीच का जो एंगल थीटा है वो जीरो डिग्री या तो कांस्टेंट होना चाहिए. क्यों? क्योंकि तभी तुम इंटीग्रेशन कर पाओगे. हर जगह का थीटा अलग अलग हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे. तो देयरफॉर दिस मस्ट बी अ कांस्टेंट to be able to integrate. ये वाला मामला समझ में आ गया? सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस का क्यों जरूरत है? आर यू कंफर्टेबल विद दिस आइडिया नाउ? यस राघव. यस सर. हाँ अभी तक ठीक लग रहा? क्योंकि देखो इसमें ना जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो देखो एज ए क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन जो आएगा वो मैं अब बताने वाला हूँ. लेकिन फिर भी ना अगर तुम गॉस लॉ को वाकई समझना चाहते हो, इन दैट केस जो मैंने समझाया वो समझना जरूरी है, तब जाके देखना अच्छे से क्लिक करता है गॉस लॉ. अदरवाइज गॉस लॉ के साथ एक दिक्कत पता है क्या है? इट्स स्लाइटली एब्स्ट्रैक्ट लॉ, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का लॉ. और जो रियलिस्टिक नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो थोड़ा समझने में भी दिक्कत आता है ना. चलो एनीवे लेट्स गो अहेड. अब हम देखते हैं कि गॉसियन गॉस सरफेस गॉस लॉ को कैसे यूज कर सकते हैं, है ना? द यूजेस ऑफ गॉस लॉ. नंबर वन, टू डिराइव कूलम्स लॉ. मैंने अभी टॉपिक क्या है? यूजेस ऑफ
मास्लो। तो नंबर वन हो गया टू डिराइव कूलम्स लॉ, ठीक है ना, कूलम्स लॉ डिराइव करने के लिए। तो उसके लिए पता है क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक चार्ज ले लेता हूँ और उसको घेर लेता हूं बाय अ स्फीयर। स्फीयर ही क्यों, और भी तो सिमेट्रिकल सरफेस होता है, जैसे जैसे क्यूबॉइड भी तो ले सकते हैं, सॉरी क्यूब, क्यूब के क्यूब भी तो सिमेट्रिकल होता है, हमें क्लोज सरफेस चाहिए, तो क्लोज टू सरफेस तो क्यूब भी हो सकता है। क्यूब में दिक्कत है, पता क्या दिक्कत है, पता तो देखो दिक्कत है, यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर देखो तो ये एरिया वेक्टर होगा, और यहाँ पे फील्ड वेक्टर देखो तो वो भी यही होगा। लेकिन अगर तुम यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, लेकिन फील्ड वेक्टर कैसे होगा, ऐसे देखो, और एरिया वेक्टर ऐसा होगा क्योंकि एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो क्यूब पे ये सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसके परपेंडिकुलर होगा हर जगह एरिया वेक्टर, लेकिन देखो फील्ड वेक्टर यहाँ पे ऐसे है और फील्ड वेक्टर यहाँ पे ऐसे है, यानी एंगल अलग अलग हो गया, तो यानी ये चॉइस नहीं चलेगा। यानी क्यूब सिमेट्रिकल है, मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि क्यूब हम कहीं और भी यूज करेंगे कोई और क्वेश्चन में, मतलब, लेकिन इस केस में तो यूज नहीं कर पाएंगे, इस केस में स्फेरिकल ही बेस्ट है। स्फेरिकल क्यों बेस्ट है, क्योंकि कहीं पे भी अगर देखोगे तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा और जो फील्ड वेक्टर होगा वो देखो हमेशा हर जगह सेम होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, और ये हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो देयरफॉर फर्स्ट थिंग इज दैट पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस विद द सेंटर एट द चार्ज, ठीक है, करते हैं फिर, यानी ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, है ना, विल बी इक्वल टू व्हाट, द ई डी ए कॉस जीरो इंटीग्रेशन, and that will be q by epsilon naught, यानी e बाहर निकाल लो, integration dA is equal to cos 0 तो 1 होता है, q by epsilon naught, यानी e into integration dA मतलब क्या होता है, total surface area, तो ये तो sphere है, इसका surface area क्या होगा, 4 pi r square, यानी e into 4 pi r square is equal to q by epsilon naught, और क्या, तो देयरफॉर ई क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, व्हिच इज व्हाट, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फोर्स पर यूनिट चार्ज भी होता है, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो देयरफॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या आ गया, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, तो स्मॉल क्यू को इधर लेके आ दो, फोर्स आ गया के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट कूलम्स, ठीक है, दिस इज नथिंग बट कूलम्स लॉ, देख लो अच्छे से, दिस इज नथिंग बट कूलम्स लॉ। तो कल को अगर एक टू मार्कर क्वेश्चन आता है या इवन थ्री मार्कर आता है, डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ, तो तुमको ये सारा चीजें लिखना है, लेकिन लेकिन इससे फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्यों, कि हर जगह पे लिखना भी पड़ेगा, यूजिंग गॉस लॉ वी राइट दिस, है ना, बिकॉज द एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर इज सेम, तो देयरफॉर वी कैन राइट द एंगल एज 0 डिग्री, तो ये सारे स्टेटमेंट्स लिखना पड़ता, वी जस्ट कांट गो ऑन राइटिंग द स्केलेटल स्टेप्स एंड गेट द फुल मार्क्स, नो, यू हैव टू राइट ऑन स्टेप्स आल्सो एंड एज टू व्हाई यू हैव डन दैट पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है ना, तो ये सेम एंगल होगा तो इसलिए आ गया, फिर ई को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, तुम क्या लिखेंगे, बिकॉज द पॉइंट चार्ज इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम एंड ऑल पॉइंट्स ऑन द स्फीयर, तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, तो इसलिए मैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूं, तो करके फिर इंटीग्रेशन डीए, इंटीग्रेशन डीए इज द कर्व सरफेस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर दिस 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 दिस, तो हर एक एक दो दो लाइन पे एक एक लाइन का स्टेटमेंट भी लिखना होता है, अगर वो नहीं करोगे तो इन दैट केस मार्क्स थोड़ा बहुत कट सकते, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा स्टेप वाइज अच्छे से करना, तो ये हो गया कूलम्स लॉ डिराइव करना यूजिंग
प्लस टू। इसके अलावा ये अच्छे से आगे बैठे। यस सर। हाँ, एक बार नोट कर लो, स्टेप्स देख लो, कोई स्टेप पे कोई दिक्कत है तो। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, चलो। सो दैट वाज अबाउट बॉस लॉ के जो यूजेस है ना, नंबर वन। नंबर टू, कल को अगर एक वन मार्क का क्वेश्चन आता है कि इन ए पॉइंट चार्ट व्हाई कांट वी टेक अ क्यूब एज ए गॉसियन सरफेस, तुमको यही वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा कि क्यूब में यहाँ पे ऐसे होता है और वहां पे ऐसे होता है वगैरह, तो ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा वन मार्क का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। सेकेंड यूटिलिटी, सेकेंड यूटिलिटी इज, सेकेंड यूटिलिटी इज टू फाइंड E आउटसाइड एंड इनसाइड हॉलोस्फीयर। तो हॉलोस्फीयर में क्या होता है, देखो ये हॉलोस्फीयर है और इसका चार्ज ऐसे ऊपर ऊपर रहता है, तो हॉलोस्फीयर में क्या होता है, चार्ज ऊपर ऊपर रहता है। ऐसे में मैं दो जगह पे, एक यहां पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं और एक यहां पे भी इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं। से दोनों आपने आर आर लिख दिया, एक्चुअली इसका जो रेडियस है वो है सपोज कैपिटल आर, एंड आर इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यानी आर एक जेनेरिक टर्म, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्फीयर हो गया स्मॉल आर। तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं, गॉसियन सरफेस अगर बाहर वाले पे लगाओ तो कैसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे कुछ लगाओ। तो अब मैं करता हूं आउटसाइड पॉइंट, एक्चुअली देखा जाए तो आउटसाइड पॉइंट भी स्फेरिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, इसलिए इसमें भी देखना यही होगा कि अगर ये ए वेक्टर हुआ तो ये होगा ई वेक्टर, यानी इसमें भी यही होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो डिग्री, यानी इक्वल टू ई बाहर लेके इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू व्हाट क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड बोलते क्या होगा ना, इस बार पूरा चार्ज लेना पड़ेगा, पूरा चार्ज कैपिटल क्यू, तो दैट इज इक्वल टू ई इंटू 4 pi small r square is equal to q by epsilon naught. Therefore, E kya ho jayega? Q by 4 pi epsilon naught small r square, yani k q by, you know, E r. Ye aa gaya k q by small r square. Aa gaya. Second, inside point. इनसाइड पॉइंट पे पता क्या है कि अगर मैं गॉसियन सरफेस लूंगा तो क्या आएगा, ये वाला आएगा, देख लो। अब अगर तुम ई डॉट डी ए करोगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए विल बी इक्वल टू डॉट डॉट दे देता हूं इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस बार स्मॉल आर कौन सा, ये वाला स्मॉल आर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, कि हमारा सारा चार्ज हॉलोस्फीयर होने के कारण बाहर 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 बाहर, हमने ये जो है स्फीयर लिया, ये लिया अंदर, तो उसके अंदर तो कुछ चार्ज ही नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा q by epsilon naught यानी जीरो, therefore E is equal to zero। यानी क्या हो गया फिर, ये हो गया कि इनसाइड पॉइंट पे अगर देखते हो तो जीरो आता है फील्ड, और अगर बाहर देखते हो In that case, just k cube r square जैसे normal होता है वैसे, ठीक है ना, k cube r square, ये हो गया outside point के लिए, और inside point के लिए क्या हो गया फिर, zero हो गया। So that's how the variation is when it comes to Gauss law, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो hollow sphere के outside point और inside point में कैसे derive किया, ठीक है ना, और
ये नोट कर लो, मैथमेटिकली तुमको यही लिखना, लेकिन जब लिखोगे तो स्टेप वाइज स्टेटमेंट भी बताते जाना कि बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल सो देयरफॉर ई इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एंड ऑल्सो डीए वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड्स सो देयरफॉर देयर इज द सेम डायरेक्शन हेंस एंगल इज जीरो डिग्री, ये सब जीरो डिग्री वगैरह जो लिखा मैंने ये जो है पार्ट वो एंगल जीरो डिग्री हो जाता है एंड देयरफॉर व्हाटएवर व्हाटएवर करके देन इज सिमेट्री का क्या यूज हुआ इस केस में वो अच्छे से एक्सप्लेन करके तब जाकर लिख सकते। अगर सिर्फ इतना लिख के आ जाओगे तो मार्क्स कटे क्योंकि मैंने लिखा नहीं है कि आउटसाइड पॉइंट पे कैसे लिखना होगा, मैंने सिर्फ उसका मैथमेटिक्स बता दिया। एक्चुअल एग्जाम में क्या होगा, लिख दो जस्ट कि यहाँ पे ऐसे से रेडियल आउटवर्ड्स है इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां पे जो सरफेस होता है वो परपेंडिकुलर है उसके, तो देयरफॉर ऐसे होगा या एंगल जीरो डिग्री हो गया जैसे मैंने फिगर में लिखा ई और डी है ना। तो अकॉर्डिंगली ई का फॉर्मूला आ गया की क्यू बाय आर स्क्वायर ऑफ कोर्स आफ्टर डेरिवेशन, यानी हॉलो स्फीयर के बाहर और पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर दोनों केस से माना जा रहा है, पर हाँ हॉलो सिलेंडर हॉलो स्फीयर के अंदर का नहीं कोई फील्ड नहीं है, हॉलो स्फीयर के अंदर क्या हो गया फील्ड आ गया जीरो बट नॉट आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द फील्ड है कैसे ना जो है नॉर्मल फॉर्मूला वही दैट इज के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज द केस। ठीक है अच्छा अभी ये देखो जरा अच्छे समझ में आ गया बेटे हॉलो स्फीयर और इनसाइड आउटसाइड। Yes, sir. अच्छा लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना जैसे मैंने बोला कि थोड़ा स्टेटमेंट भी साथ में जोड़ देना, मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा नहीं तो टाइम भी कम है बट यू हैव टू राइट इट कि इसमें गॉसियन सरफेस का चॉइस ऐसे क्यों किया, ठीक है ना ये वाला। और दूसरी बात यह है कि अगर चॉइस किया तो उसके बाद फॉलो कैसे किया और इलेक्ट्रिक फील्ड बाई स्मॉल आर स्क्वायर आउटसाइड और इज इक्वल टू जीरो कैसे आया, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी साथ साथ करते रहे, ठीक है ठीक है ना। चलो ठीक है काम करते हैं आज इतना ही करते हैं एंड यू नो मैं एक बार शेड्यूल भेज दूंगा मैं उस बैच का सो दैट अकॉर्डिंगली जो है लॉगिन आईडी भेज दूंगा, तो वहां पे ना तुम इंटेंसिटी वगैरह सारा वहीं पे कवर कर लो डाइपोल वगैरह। तो मैंने अभी यहाँ पे गॉस लॉ स्टार्ट किया तो कल तक जो है गॉस लॉ खत्म हो जाएगा तो देन परसों से जो हम लोग अलग वाला जो क्लास है उसमें कैपेसिटीज भी कर सकते हैं, ठीक है फिर आज के लिए इतना ही करते हैं कल कंटिन्यू है ना। थैंक यू सर ठीक है ओके।